नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म घूमर के बारे में कई व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि आप घूमर के अपडेट नहीं दे रहे हो, घूमर का क्या अपडेट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घूमर फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी। आर बालकिशन ने खुद ये जानकारी दी थी कि मार्च में फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों फिर पता नहीं क्या कारण हुआ। एक कारण तो ये हो सकता है कि मार्च में बोला फिल्म आ रही थी जिसमें अभिषेक बच्चन का कैमियो है, एक लास्ट में क्लाइमेक्स में उनका एक जबरदस्त एक लुक है, एक जबरदस्त डायलॉग है। तो शायद मेकर से उम्मीद कर रहे थे कि अभी मार्च में दोनों फिल्में रिलीज करना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने रिलीज नहीं किया। और वैसे अभिषेक बच्चन 4 वर्षों के बाद में बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। बड़े पर्दे पर उनकी लास्ट फिल्म मन मर्जी आई थी, शायद 2019 में थी या 18 में थी, मुझे पक्का याद नहीं है। लेकिन उसके बाद में सभी फिल्में OTT पर आई थी, चाहे वो दसवीं हो, बिग बुल हो या दोस्तों जो बॉब बिस्वास हो, सभी OTT पर ही आई है। तो अब बड़े पर्दे पर एक कैमियो के थ्रू अभिषेक बच्चन ने वापसी की है, काफी पसंद किया गया उनका कैमियो। और बोला 2 में तो फिर उनका फुल फ्लेज रोल होने वाला है, अजय देवगन वर्सेज अभिषेक बच्चन की जबरदस्त अदाकारी देखने को मिलने वाली है। तो शायद इसी कारण से घूमर को लेट किया गया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट समझ में आ रहा है वो ये है कि इस फिल्म को अगले महीने रिलीज किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल अभी न्यूज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जहां पर भी जितना भी मैं चेक कर सकता था, जहां पर भी मैंने कोशिश की है कि कैसे भी मालूम हो तो उतना मैंने कोशिश की है। तो अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है वो ये है कि बोला फिल्म है वो इसी महीने इसकी रिलीज डेट अनाउंस की जा सकती है और मई में इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट यही है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो कभी भी आपको ये अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है कि जो घूमर फिल्म है कई जगह, मतलब अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है कि इसी महीने आपको ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि घूमर फिल्म की रिलीज डेट कब होने वाली है। अभी तक मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार नेक्स्ट मंथ यानी कि मई में फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। अब कब होता है और पूरी एक्चुअल रिपोर्ट आएगी, कन्फर्मेशन डेट आएगी, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के जानकारी दूंगा। तो ये था घूमर फिल्म के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स। अगले वीडियो में बात करेंगे SSS 7 के बारे में, क्या अपडेट्स चल रहे हैं, कैसे वो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो रही है। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।